हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं जा रही हूँ, पहले पिन्नी की पूजा में जाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी आज अपनी ननसार यानी कि अपनी मम्मी के मैके में, उनकी बहन के घर पे कथा है मेरी मौसी के घर, तो मैं वहां जाऊंगी। पहले यहाँ पिन्नी है, आज पूर्णमासी है माह की, तो हमारे यहाँ पिन्नी है, मैं उसमें जा रही हूँ संकटा माता के व्रत में। और उसके बाद आने के पहले मैं लाल फाटक जाऊंगी, फिर वहां से दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ जाएंगे, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी आज। और मैं दिखाऊंगी मेरी नानी के घर पे, मैं कई साल बाद जाऊंगी। राज बहुत छोटा था, 2 साल का था शायद, तब मैं गई थी। और राज एक बार पीछे मेरे भाई के साथ अभी बीच में घूम आया था, लेकिन मैं नहीं गई हूँ, मैं जाऊंगी काफी टाइम के बाद। देखो मेरी साड़ी ऐसी है, और कमेंट करके बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही थी। रेडी हूँ बिल्कुल पिंडियों में जाने के लिए, तो चलो चलते हैं। आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, यहाँ से भी जल्दी जल्दी आना है पूजा खत्म करके, और फिर उसके बाद काफी दूर जाना है। मैं स्कूटी से पहले जाऊंगी लाल फाटक, और लाल फाटक के बाद जाऊंगी अपनी नानी के घर। वैसे अच्छा लग रहा। बेली चलना नहीं है, आओ। जब तक हम पहुंचे तो सब लोगों ने महावर लगा ली थी, मैं ही और मेरी ऊपर वाली रह गई थी। बस हम दोनों ने महावर लगाई, उसके बाद यहाँ पूजा की कथा वथा सुनी, फिर पिन्नी हुई, और यहाँ पर मैं सिंगार ले रही हूँ। और फिर ये जो भी इनका सिंगार का सामान है वो हम सबको देंगे, और फिर मैं घर चली जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से सिंगार दे रही हैं, और पूजा हमारी हो चुकी है। अब हम जो पिन्नी में से हैं वो हम निकल रहे हैं घर से, बिल्कुल मम्मा अभी सब बातें कर रहे हैं। घर आके मैं तैयार हुई और उसके बाद निकलने लगी हूँ यहाँ से। मैंने सूट पहना, साड़ी में गाड़ी चढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बच्चों को बैठा कर तो और ही ज़्यादा। और ये देखिए मैं अपने घर आ गई हूँ, अब यहाँ से साड़ी पहनकर फिर हम लोग निकल लिए हैं। अब बैठ गए तुम्हारी गाड़ी में भैया, सब चलने को तैयार। पहले ओक तो लो, हम इना रास्ता में होकेंगे भी थोड़ी ना होकेंगे। तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी तो तैयार होके जा रही हो। तैयार तो हां, अब तुम आओ, जाओ नहीं आ जाओ। देखिए आज माह की पूर्णमासी है, तो यहाँ पर खीर बट रही है, ये देखो। और अब हम गांव के बाहर आ गए हैं, बिल्कुल पास ही में है मेरे नानी का घर। नानी राम 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 नानी। नानी जी मोनू की बहू है, भूली बरेली से। नानी ने मेरी तो बिल्कुल पहचाना नहीं, काफी बुजुर्ग हैं मेरी नानी, और ये मेरी मौसी का घर है, और यहाँ खाने की बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है। हम जब तक पहुंचे तब तक कथा हो चुकी थी, खाना चल रहा था। तेरी नानी को ले ही लहंगा देख कहाँ जा रहा है वो। तेरी नानी सही होती तो फोटो लेती, तो सही बात है। तुम्हारा फोटो ले रही है, देखो हम का डिजाइन उठा रहे हैं। कन्नू मौसी की वीडियो बना रही थी, तो वो मजे दिखा रही थी बहुत ज्यादा। बाबू जो मामी है हमारी, मामी जिनकी गुड़िया है छोटी सी, आ रही है गुन्ना कितना रही है देखियो। जरा देर में शाम हो गई, 2-3 घंटे पता ही नहीं चले, और हम जा रहे हैं अपने घर। देखो हमारी नानी है, नानी ना बोलेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।